जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली ओप्पो रेनो 6G 5G आज लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों मोचोला एच 20 और मोचोला एच 20 प्रो इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे रहा हूं, क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। देखो यार, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे स्पेक्स नहीं देता है। यहाँ पर आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। बस दोस्तों डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन आपको इतने स्पेक्स प्रोवाइड करता है, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, चिन नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है। देखो यार डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, एमोलेड पैनल है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो जब भी आप दोस्तों कुछ भी काम करोगे, गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे होगे, एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड गलती से स्मार्टफोन गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले वाइज थोड़े और स्पेक्स देता तो अच्छा रहता, लेकिन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्पेक्स आपको अच्छे दे देता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो दोस्तों देखो यार, कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही फिनोमिनल है, आपको कैमरास बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और यार ओप्पो रेनो 6 सीरीज का स्मार्टफोन है तो सोच सकते हो कैमरास कितने अच्छे होंगे। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। सेल्फी की बात कर ले तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो छोटे से पंच होल के साथ आता है, तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन लाजवाब है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। UFS 2.1 के चॉइस सपोर्ट के साथ आता है, LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 4310mAh का बैटरी मिलता है, 33W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, जो कलर ओएस 11 पे दोस्तों रन करेगा, और NFC का भी सपोर्ट है, तो मेन स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक डेमेंसिटी 800U मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G57 MC3 का GPU मिल जाता है। अगर स्नैपड्रैगन की भाषा में बोलूँ तो स्नैपड्रैगन 765G के आसपास का आपको परफॉर्मेंस दे देता है ये प्रोसेसर, तो यार आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा, परफॉर्मेंस वाइज आपको दोस्तों कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों एक बात आप जान लो, ओप्पो रेनो 6 और ओप्पो रेनो 6Z दोनों एक ही स्मार्टफोन है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बस स्पेक्स अलग अलग हैं। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में बिल्कुल ओप्पो रेनो 6 के जैसे ही दिखाई देता है, वैसे ही कैमरा हाउसिंग है, वैसे ही डिजाइन है, वही स्मार्टफोन है यार, बस स्पेक्स चेंज कर दिए गए हैं। देखने में लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जो पीछे का कैमरा हाउसिंग का डिजाइन है वो काफी अच्छा है, एंड वहां पर 5G भी लिखा है, एंड काफी अच्छे लुक्स दे देता है, एंड बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल है, ब्यूटीफुल लगता है स्मार्टफोन नो डाउट। ओप्पो का स्मार्टफोन है यार, तो डिजाइन वाइज देखने में ऑब्वियसली बात है अमेजिंग ही लगेगा। आगे से देखोगे तो पंच होल है, चिन देखने को मिल जाता है, अच्छा लगता है देखने में। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो ग्लास बैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है। डिजाइन और बिल्ड वाइज यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज वियतनाम में लॉन्च हो चुका है, कल दोस्तों वियतनाम में ये प्री ऑर्डर्स पे जाएगा। प्राइसिंग की बात कर ले तो 8+128GB आपको 30,700 रुपए का देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये जुलाई के 21 तारीख को थाईलैंड में लॉन्च हो जाएगा, अगस्त के 6 तारीख को फिलीपींस में लॉन्च हो जाएगा। तो आपको प्राइसिंग कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। ओप्पो रेनो सीरीज के जो अल्फाबेट वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो लॉन्च नहीं होते इंडिया में। ओप्पो रेनो 5K को ले लो, 5A को ले लो, 5Z को ले लो, ये जितने भी स्मार्टफोन्स थे इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे, ऐसे ही दोस्तों ओप्पो रेनो 6Z भी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। अभी तो ओप्पो रेनो 6K भी आएगा, 6A भी आएगा, बहुत सारे अल्फाबेट वाले सीरीज आएंगे अभी रेनो 6 सीरीज के अंदर में, ठीक है। तो ये स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं, केवल रेनो 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे, उनके अल्फाबेट सीरीज वाले स्मार्टफोन्स नहीं लॉन्च होंगे।
देखो यार आप निराश मत हो, अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है तो मैं आपको उससे अच्छे स्पेक्स वाले स्मार्टफोन्स बताता हूँ ना, ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ मैं। सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है ओप्पो रेनो 6 जो आपको इससे अच्छे स्पेक्स देता है, डेमेंसिटी 900 के साथ आएगा एंड हर मामले में इससे आगे है वो। और वो दोस्तों कल 14 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, जाके उसको परचेस कर लेना यार, उसका प्राइस तो 35,000 रुपए के आसपास होगा, उसको परचेस कर लेना, नहीं तो ओप्पो रेनो 6 प्रो को परचेस कर लो, नहीं तो ओप्पो रेनो 5 प्रो को परचेस कर लो, इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, नहीं तो रियलमी X7 मैक्स को परचेस कर लो, पोको F3 GT है, 22 तारीख को OnePlus Nord 2 लॉन्च हो जा रहा है 30,000 रुपए के आसपास, उसको परचेस कर लो, इतने अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं यार। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज ओप्पो रेनो 6Z 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ओप्पो रेनो 6Z कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके लुक्स, उसके स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको टेक न्यूज भी देता हूं। आज का टेक न्यूज लाइव हो चुका है, बहुत ही अच्छे टेक न्यूज आए हैं, जल्दी जाके देखो, आई बटन पे वीडियो देते रहा हूं, जल्दी जाके देखो और अपडेटेड हो जाओ। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।